क्या देख रही है फोन को? अरे अब फोन ही देख सकती हूँ और क्या देखूँ, ना इसमें कोई डाटा है और ना ही ये क्या कहते हैं इसमें कोई बैलेंस है, इससे बातें करूँ क्या करूँ मैं? मोबाइल छोड़ लो, कुछ कर लो। और तो क्या कर लूँ भाई? आपी भाई निकलो। अरे आपी, ये तो जमजम की आवाज है। भाई आपी भाई निकलो। अरे जमजम बताओ तुम ठीक हो, क्या हुआ बताओ? अरे ये रिश्तेदारियाँ बाद में निकाली। जमजम ये बताओ क्या हुआ, क्यों भागती हुई आ रही हो? अरे आपी मैंने कौन सा फारसी बोली थी, मैंने तो यही पूछा था। तो किसी काम के नहीं हो तुम दोनों, जब से दुबई से यहाँ पे आए हैं तब से घर में ही हो। अरे क्या बात कर रही हो जमजम, चुप करके घर में बैठी रहो, जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है, बंदा कुछ कर ही नहीं सकता। हाँ ना इसमें बैलेंस है कोई ना ही डेटा है, क्या करें हम, इतनी गर्मी है ऊपर से ना ही बाहर खेल सकते हैं, इसलिए हम अंदर पंखे में बैठे रहते हैं। अरे वो मोहल्ले का काला चोर है ना, क्या हुआ पकड़ा गया? हाँ हाँ बताओ। अरे नहीं स्कर्दू चलेंगे घूमने फिरने के लिए। अभी सुना आपने, कैसे दिन आ गए आपी, चोर भी स्कर्दू घूमने जा रहे हैं। अरे वो कबाड़ी का पता है? हाँ वो जो इधर बैठा होता है, जो पुरानी से पुरानी चीजें खरीदता है और उसे बेच देता है। कौन कबाड़िया? कबाड़िया हाँ हाँ, जो चोरी का सामान खरीदता है वो भी कहीं चला गया है। कहाँ चला गया? घूमने फिरने। अच्छा और तुम लोग घर पे ही रहना चूड़ियाँ पहन के। अरे आपी ये तो हमारी सरासर बेइज्जती है, ऐसा कैसे हो सकता है, कबाड़िये चोर डाकू ये सारे जा रहे हैं घूमने फिरने के लिए ठंडे शहरों में और हम मैं दुबई से आके घर में घुसे हुए तब से। अरे यार उनके पास इतना पैसा है और हमारे पास बैलेंस डलवाने के पैसे नहीं है और हम कैसे घूमने फिरने जाएंगे ठंडे शहरों में? भाई सोचो कुछ, मुझे ठंडे इलाकों में ना घूमना फिरना बहुत पसंद है। हाँ हाँ सोचता हूँ क्या किया जाए ये करता हूँ। नहीं आपी मेरी बात सुनो, क्रेडिट करवाओ और अपना बैलेंस दिलाओ, चलो शाबाश जल्दी करो। ये लो भाई हो गया, खाओ अब मुझे दिखाओ। अरे भाई इसमें तो सिर्फ 10 रुपए डालने हैं। 10 रुपए से नहीं जाया जाता, 10 को मैं 10 लाख कैसे बनाऊंगा ये मुझ पर छोड़ दो। तुम लोग बस अब तैयारी करो, कपड़े शपड़े पैक करो, हम जाएंगे ठंडे इलाकों में घूमने, चलो जाओ। हेलो कुकट अंकल। अरे भाई किस भिखारी को फोन लगा दिया तुमने? अरे हाँ कुकट अंकल, मैंने ये पूछना था कि हम मरी घूमने चले सारे। क्या बात कर रहे हो, घूमने चले? हाँ मैं भी जाऊंगा, कहाँ जाना है घूमने? अरे कुकट अंकल मरी जाना है। मरी जाना है? फिर खर्चा हो जाएगा ज्यादा, बताओ कितना खर्चा होगा? नहीं होगा मरी जाने के लिए। अरे हाँ हाँ कुकड़ अंकल ज्यादा खर्चा नहीं होगा, बस आपने ना गाड़ी लेके आनी है जिसमें हम सारे बैठ के जाएंगे मरी। गाड़ी लेके आनी, बस ठीक है फिर, गाड़ी तो मैं अरेंज कर लूंगा, उसकी टेंशन ना लो। अरे उनसे ये भी तो बोलो कि आज जल्दी आ जाना और यहीं से निकलेंगे। ठीक है मैं कह देता हूँ। अरे हाँ 8 बजे तक आ जाना, यहीं से सारे मिलके निकलेंगे। ठीक है कल सुबह 8 बजे निकलना मरी के लिए, मैं रेडी, मैं कपड़े लेके रेडी होके आ जाऊंगा सुबह। अरे भाई तू बस ओके कर। हाँ हाँ मैं करता हूँ। ठीक है कुकड़ अंकल आ जाना आप सुबह 8 बजे। ओके ठीक है तो, अरे मैं मरी जा रहा हूँ, जिंदगी में पहली बार घूमूंगा मरी। अरे भाई ओके तो आपने कर लिया, पर खाली गाड़ी से नहीं जाना। हाँ उसमें पेट्रोल भी चाहिए होता है। हाँ हाँ अच्छा किया आपने मुझे बता दिया, पेट्रोल के पैसे कौन देगा। एक काम करते हैं हसीब को भी साथ ले जाते हैं, रुको मैं कॉल मिलाता हूँ। मुसा का फोन आ रहा। हाँ मुसा बोलो। हाँ हसीब भाई मरी घूमने चलेंगे हमारे साथ? हाँ हाँ क्यों नहीं, ये बता पहले कि खर्चा कितना होगा। अरे खर्चा कुछ नहीं होगा, गाड़ी मेरी पेट्रोल तेरा बस। अच्छा बस पेट्रोल डलवाना है, ठीक है मैं डलवा दूंगा, मुझे बस इतना बताओ कब और किस टाइम जाना है। अरे ये हुई ना बात, कल सुबह 8 बजे हमारे घर के बाहर आ जाना, हम सारे वहीं पे मिलेंगे तुम्हें। ठीक है मैं तैयार होके सुबह 8 बजे तुम्हारे घर के बाहर आ जाऊंगा। हाँ चलो ठीक है अब फोन रखता हूँ। अरे देखा भी, मैंने कहा था गाड़ी का भी इंतजाम हो जाएगा और साथ में पेट्रोल का भी, अब बाकी देखते हैं क्या करना है। अरे गाड़ी और पेट्रोल का तो हो गया, पर खाएंगे कहाँ से? हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, खाएंगे कहाँ से, इसके लिए कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। हेलो हाँ बिलाल भाई, मैं ये कह रहा था कहीं घूमने फिरने चले आउट ऑफ सिटी। आउट ऑफ सिटी? हाँ हाँ चलो चलते हैं।
लेकिन खर्चा कितना आएगा? अरे बिलाल भाई कोई खर्चा नहीं है, गाड़ी मेरी पेट्रोल मेरा, बस आपने खाने पीने का अरेंज करवा देना है। बस खाने पीने का? अरे ये तो कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। हाँ बस आपने सुबह 8 बजे हमारे घर के बाहर आ जाना अपने कपड़े शपड़े लेके, फिर हम मरी के लिए निकलेंगे। ठीक है, कल सुबह 8 बजे मैं तुम्हारे घर पहुँच जाऊंगा कपड़े शपड़े लेके अपने। हाँ ओके। देखा अभी खाने का भी इंतजाम हो गया। अरे खाना और पेट्रोल और गाड़ी का तो हो गया, पर रहेंगे कहाँ, सोएंगे कहाँ? क्या फुटपाथ पे सोने का इरादा है? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, किसी और को भी एंगेज करता हूँ। हाय मुझे फोन आ गया, किसका लगता है? कमेटी वाली का। हेलो हेलो बेबी आंटी। मौसा तुम कभी जिंदगी में बाहर घूमना फिरना भी गई हो कि नहीं? अरे मेरे मुकद्दर में कहाँ घूमना फिरना, मैं कहाँ जा सकती हूँ, दिन भर घर रहती हूँ। मेरे बाबा कहते जब तक तेरी शादी नहीं होगी तुम बाहर नहीं जाओगी। अब बताओ तुम। अरे बेबी आंटी हमारे साथ आओ घूमने फिरने जाना। हाँ ना, मैं क्यों नहीं जाऊंगी, मैं घूम लेती हूँ। ये देखो और फिर भी लेती हूँ। ये देखो दिन भर मैं फिरती रहती हूँ, कभी इधर कभी उधर। अब तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो घुमाने फिराने के लिए? आपको मरी घुमा के लेके आते हैं, वहाँ का ठंडा मौसम देख के आप बहुत खुश होगी। मरी? कौन मरी? पाँ, पाँ। आ, घूमने भी नहीं वाली मरी। हैं? उसमें कितना खर्चा होगा? मेरे पास इतने पैसे नहीं है तो मैं इतने खर्चे बर्दाश्त कर सकूं। हाँ अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। अरे बेबी आंटी कोई खर्चा वर्चा नहीं, पेट्रोल मेरा, गाड़ी मेरी, खाना पीना मेरा, और आपको क्या चाहिए बेबी आंटी? बस आप हमारे साथ मरी घूमने चलो तो सही। वो गाड़ी पेट्रोल खाना तुम लोग का, मुझे क्या करना होगा? बस आप ना वहाँ पे रहने सहने की जगह बना देना हमारे लिए, बाकी हम खुद देख लेंगे। सिर्फ रहने का इंतजाम मेरा? हाँ। तो कोई बात नहीं मैं कर लूंगी। हाँ मैं बहुत प्यारा इंतजाम करूंगी रहने का। हाँ ठीक है, कल सुबह 8 बजे हमारे घर पर आ जाना सब पैकिंग शैकिंग करके, फिर हम मरी के लिए निकलेंगे। ठीक है, कल सुबह 8 बजे मिलती हूँ मैं तुम्हारे घर पे। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अरे मैं जाऊंगी मरी, अब तो मैं गरारा शरारा पहन के जाऊंगी, मुझे मरी जाने से कोई नहीं रोक सकता। देखो मैंने कहा था ना मैं सारी चीजों का इंतजाम कर दूंगा, अब हमें कोई पैसा ही नहीं खर्चा पड़ेगा, सारे ये लोग खर्च देंगे। चलो फिर, अब दुनिया की कोई भी ताकत हमें टूर पे जाने से नहीं रोक सकती, नहीं रोक सकती। हाँ अभी बिल्कुल सही कहा आपने। अरे जिंदगी मजे से जीना हमसे सीखे। अरे आपी ये होता है मास्टरमाइंड, पैसा किसी और का और एंजॉय हम करेंगे। हाँ। अरे अब ये बातें छोड़ो, जल्दी से जाओ और अपने कपड़े पैक करो, सुबह मरी के लिए निकलना है, लेट ना हो जाए। चलो हाँ, चलो चलो चलो। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको आज की हमारी वीडियो? आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो से हमें ये मैसेज मिलता है कि आप लोग जो है कभी कभार स्मार्ट वर्क भी किया करो जैसे हमने इस वीडियो में किया, हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, बड़ी बात होती है। आपने खुद भी थोड़ा ना शेयर रखना है अगर आप कुछ कर रहे हो तो ऐसे देखिएगा हमने एक कॉमेडी स्किट किया था, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमें कमेंट्स में जरूर बताना, बाकी हमारे चैनल कर दें लाइक शेयर सब्सक्राइब। नए नए सामान लेते हैं और पुराने वाले चीजें ना। अरे कहना क्या चाहते हो? जो पुरानी चीजें नहीं, पुराने नहीं, बस ऐसे कहना है, पुरानी वाली चीजें खरीद के बेच देता है। जो पुरानी वाली चीजें खरीद के बेच देता है। ओके ये कहना है। ओके मैं दोबारा सीन देता हूँ। ओके कबाड़िया, पहले मैंने बोलना है ना कबाड़िया। प्लीज टाइम वेस्ट ना करें प्लीज। किसने बोलना है? आप ही ने। 1 2 1 2 कंट्रोल। इसमें 10 रुपए नहीं जाया जाता। और इसमें 10 रुपए नहीं बेटे, 10 रुपए से इसमें नहीं जाया जाता। अरे इनसे बोलो सुबह 8 बजे आ जाना। जी तुहाडे कोल बोलिया भी नहीं जाता तो फिर माँ तेरी कहती कि इन्हां नूं डांटना भी नहीं, गर्मी ना साडी जान निकलन डई है, गर्मी ना साडी जान निकलन डई है। ए चुब्बे आपने कहना जानू डर गई है, डर गई। अरे कुकड़ अंकल हां हां सिर्फ मरी जाना है और हाँ बस। मैंने कब कहा मरी का? आपने ये कहा था, आपने कहा था कि आपने और यहीं से लिख लेंगे पूरा डायलॉग बोलना है।
चलो प्लीज स्टार्ट अप। हेलो, हाँ बिलाल भाई, वो बिलाल भाई, हाँ बिलाल भाई, वो बिलाल भाई, चुप, बिल्कुल चुप। हेलो बिलाल भाई, हाँ मैं ये कह रहा था कहीं घूम फिरने चले, घूमने फिरने चले आउट ऑफ सिटी। अब किसी और बंदे को ढूंढना पड़ेगा, और कोई रहा ही नहीं क्या हमारा दोस्त? ये मैंने कहा ही नहीं, मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। टूटा हुआ सांस हूं मैं। अरे खाना और पेट्रोल और गाड़ी का तो हो गया, पर रहेंगे कहाँ, सोएंगे कहाँ? हाँ फुटबॉल फुटबॉल। ओके हाँ बस गुड हो गया, डन। और सुबह 8 बजे अपने कपड़े शपड़े लेके। गुड की बात ही नहीं। अरे जिंदगी को मजे से मजे से जीना। चलो फिर, अब दुनिया की कोई भी ताकत हमें टूर पे जाने से नहीं रोक सकती, नहीं रोक सकती। हाँ अभी बिल्कुल सही कहा आपने, कोई ताकत हमें टूर पे जाने से नहीं रोक सकती, नहीं रोक सकती। लेकिन एक सेकंड, अरे बोलना कुछ तो बोल। इसने नहीं बोला, दिलवाले नहीं होते। इसने नहीं बोला। और अपने कपड़े पैकिंग करो और चलो अब जल्दी से। नहीं फिर से, नहीं फिर से जा पूछ क्या। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है शूटिंग जो है खत्म हो चुकी है, और हमारे लिए इससे ज्यादा खुशी का मौका और कोई नहीं होता, क्योंकि मेरा भाई तू, मेरा भाई तू मेरी जान है। अच्छा तो यहाँ पर जो मैं कह रहा था शूटिंग खत्म हो चुकी है, और ये देखें स्क्रिप्ट वगैरह के पेपर, क्योंकि स्क्रिप्ट तो अब बढ़ गया, क्योंकि प्रोग्राम तो बढ़ गया, शूटिंग तो होगी खत्म। प्लीज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फंबल ही तुम लोग। अरे पापा देखिए गर्मी इतनी है, मेरे पापा बताए इससे ज्यादा फंबल किया मैंने किया। भाई देखो मेरी भाई, मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अकाउंट नहीं किया, लेकिन दोनों मुझे पैरलर में लगे, मेरे इतने फंबल नहीं। जम-जम के आपके डायलॉग कहां है? आप बताओ क्या, क्यों फंबल होंगे बताओ। अच्छा अब क्यों फंबल हो रही है, पापा प्रेशराइज कर रहे थे। अरे ओ करो डायलॉग, ये डायलॉग नहीं बोला जा रहा तुमसे। ये तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर लिया। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये आपका स्क्रिप्ट होगा। आप लोग देखो ऐसे है हमारे पापा, देखो जब हम धक्के दो ना, दो एक छोटी सी डायलॉग देते हैं, हमसे बोला नहीं जाता, फिर हमें वो और चीख के बोलते तो हमसे और वो करते, वो जाते हैं, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, क्या तुम लोग नहीं कर सकती ये? हैं? अरे नहीं पापा यार, बंदा प्रेशराइज हो गया, बंदे को समझ नहीं आती, इससे पिछला वाला बोलना है, इससे आगे वाला बोलना है। पापा एक डायलॉग में पसीने, देखो कितने पसीने आ रहे हैं, हालत देखो मेरी, समंदर बन रहा है नीचे पापा। अरे खुशक समंदर, बूंद बूंद से दरिया बनता है जी, अब मेरे ये जो बूंद है इससे दरिया बनेगा। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? फंबल वायरल, जमजम और मूसा बहुत फंबल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे डायलॉग सबसे ज्यादा थे, तो आप ही के थे ना, तो क्या करूं ना दो डायलॉग आप लोगों। अरे देखिए आप मुझे मिसालें देते हैं कि वो जो तो वो तो बंदा खुद पढ़ सकता है, देख सकता है, आप तो बस डायलॉग बताते हैं एक बार। अरे भाई इसकी भी बात सुन। हाँ जी बोले। भूल गई हूँ मैं, ठीक है अब भी बात नहीं, भूल गई है अब देखो अपनी बात ही भूल गई है, और ये डायलॉग बोलेगी यार प्लीज बंद कर दे। पापा ये बगल से नीचे कर ले, वो आ रही है। आपकी हरकतें ही ऐसी है, डांट पड़ने वाली। मैंने कब डांटा था आपको? पापा वर्सेस जमजम, आप लोग ये? पापा के पास डोलो वाली जान है, जमजम के पास मामा वाली जान है, और पापा मामा से डरते हैं, पापा मामा से डरते हैं, पापा मामा से डरते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। किसने? मेरे सिर्फ एक दो फंबल थे। वाह वाह, जिसके ज्यादा हमारे डायलॉग थे उस तारीफ ही नहीं की उसकी, नहीं, इसकी कर दी। नहीं मूसा ने तारीफ, मूसा डायलॉग अच्छे बोलता है। लेकिन फंबल की बात हो रही है कि फंबल घर में क्या कहते हैं, मेरे पास आने बैठे करो। अच्छा अच्छा मैं कर देता हूँ, कर देता हूँ मैं बंद। घर पे कहते हैं आओ मेरे पास बैठो, जब हम शूटिंग में तो हमारे से खिलाफ हो जाते हैं पापा। अच्छा फिर मुझे कहते हैं कि जब सीन हो रहा
करो पहले, फिर जाके कहेंगे कि आके पढ़ देख लेते हैं, सीन देख लेते हैं, फिर जब आओ कहते अपनी जगह तो नहीं हिलना, एक दीन मानी नहीं है इनका, समझ ही नहीं आती। मेरे बच्चे शांत शांत हो जा, मेरे बच्चे शांत हो जा। कहना क्या चाह रहे हैं? थोड़ी देर बाद बदल जाते हैं, एकदम बदल जाते हैं। मैंने कोई फारसी बोली है? अच्छा मैं ये कह रहा था कि ये है जो हम आपसे शूट करते हैं, ऐसी हमारी काफी लंबी बहस चलती है। शूट के बाद ऐसी बहस शहस करते हैं, फिर अंदर जाके बैठ जाते हैं, लंबे पै जाते हैं, पूरा दिन करते हैं। और लाइट ऑन करो यार घर की। हाँ घर की लाइट ऑन कर दो। मैं व्लॉग वैसे ही, वीडियो तो एंड होगी अभी, छोटे से वीडियो को देख के बताएं। हाँ वीडियो को देख के जरूर बताएं। और कौन कौन सी प्लेस में जाना चाहते हैं? अरे मुझे बोलने लेके जा रहे। चलो फिर ये पूछ लो हमसे। हाँ तो पापा ये पूछ रहे थे कि जो है आप कौन कौन सी जगह मुझे जाते देखना चाहते हो, आपने कमेंट्स में जरूर बताना है। बाकी आपको कैसे ले गया आज को हमारी ये, जरूर बताना है। बाकी आपको कैसे ले गया आज को हमारी ये आज की वीडियो। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। बाकी थैंक यू सो मच, ऐसे देखते रहें। लव यू ऑल, बाय बाय।